एक बार बस इस तन्नो को घर से ले जाओ, मेरी जान छूट इस मनहूस से। समझ गया। अरे तुम ही लोगों ने देर कर दी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। अब तक तो चिड़िया पिंजरे में कैद हो चुकी होती है। क्यों अम्मा, नौरीन को देखा आपने? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अम्मा कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई है। शगुफ्ता ने आना है आज अपने कंगन लेने, मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया। मैंने सोचा कंगन भी साथ रखूं, मुंह पे मारूं हर चीज उसके। कल से कह रही हूँ नौरीन को कंगन दे 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 दे, लेकिन लड़की की सुन के नहीं दे रही। और अब गायब है। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं समझी मतीन आया। अम्मा मतीन तो सुबह ही चले गए थे, ये नौरीन बगैर बताए कहाँ चली गई? टेलीफोन कर लेना, पूछ ले कहाँ है। ये लड़की भी ना, अम्मा फोन उठा ही नहीं रही। दोबारा कर ले। उफ खुदाया, ये लड़की भी ना। क्या मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे पड़ जाती तू? अम्मा वो तो फोन ही नहीं उठा रही, अब बता क्या करूं? शगुफ्ता आएगी, क्या जवाब दूंगी उसको मैं? तू परेशान ना हो, हो सकता फायदा तक क्या गई, उसके आने से पहले आ जाएगी। परेशान ना, परेशान ना। उफ खुदाया, शगुफ्ता को क्या जवाब दूंगी मैं, ये तो समझ में नहीं आता कुछ। मुझे भी परेशान कर रही है तू बिला वजह की। सबर कर ले, इंतजार कर ले। मुझे आतिर साहब से मिलना है। जी, आपका नाम और किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप? नौरीन, नौरीन नाम है मेरा, आप उन्हें बता दें, वो मना नहीं करेंगे। नहीं मैम, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकती, आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा कि उनका कमरा कौन सा है। आप एक बात समझने की कोशिश करें, मैं उन्हें ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप सर आते रहे? जी वो अपने रूम में। वो किसी मीटिंग में तो नहीं है? नहीं। थैंक यू। अरे मैम, बात सुने। आप रुके, हमारी बात सुने। मैम आप ऐसे नहीं कर सकते। मैम अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुने, आप रुके, बात सुने। देखिए कहाँ जा। आई एम सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये जबरदस्ती चली आई। सर वो मैंने भी बहुत कोशिश की मगर मैम रुकी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है आप लोग जाएं। थैंक यू। आप यहाँ? जी मैं यहाँ, मुझे आपसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। आप प्लीज बैठें। ना मैं यहाँ बैठने आई हूँ और ना आपकी माफी सुन। आपने मुझे ठुकरा कर बहुत बड़ा जुल्म किया। जब किसी लड़के की मंगनी हो जाती है ना, तो वो लड़की उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी के ख्वाब देखने लगती है। आपको क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है कि जब दिल चाहा रिश्ता भेज दिया, जब दिल चाहा कंगन पहना दिए और जब मर्जी आई तो सब कुछ खत्म कर दिया? ये मत भूले मिस्टर आतिर कि रिश्ता लेकर आपके घर वाले मेरे घर खुद चलकर आए थे, हम नहीं आए थे। ये कंगन मैंने आपके नाम के पहने थे और इसे मैं कभी नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादी तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगी, वरना किसी से नहीं। और हाँ, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आपके घर वाले होंगे, याद रखिएगा। और हाँ, आई मीन इट।
रात्रि रिहाना कितनी मर्तबा काय परेशान ना हुआ कर उसके लिए, आ जाएगी क्यों वावेला मचा रही है। लो देख बज गया दरवाजा, जा देख जाके वही होगी इंशाल्लाह जा। हाँ मखा के जो है जमीन आसमान के खिलाफ मिलाती रहती है। कहाँ थे तुम? हाँ सारे घर में ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिली। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कितनी परेशान हो रही थी मैं? हाँ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद तू फिर अकेली निकल गई, वो तो शुक्र अदा कर खुदा का तेजाब से बाल बाल बच गई, वरना तेजाब में जल मर सड़ गई होती। तेजाब से जलकर नहीं मरी तो क्या हुआ? अब मैं कौन से जिंदों में हूँ? मेरी बेइज्जती ने मुझे मार डाला है और क्यों करूँ मैं किसी का एहसास? जब इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं किसी का एहसास क्यों करूं? क्या बोले जा रही है तुम? किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है? अगर मुझे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो इस तरह परेशान खड़ी होती यहाँ पे? देख जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा क्या कसूर है? रहने दे अम्मी, अगर किसी को एहसास होता ना तो ये तन्नो इस घर में ना होती, आप इसे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देती। जो मेरी इस हालत की जिम्मेदार है, और अब मैं आपको कह रही हूँ अब मैं जिंदगी सिर्फ अपनी मर्जी से गुजारूंगी। इसकी तो तुम फिक्र ही मत करो, इसमें अगर जरा सी नकारत हुई ना इस घर से खुद ही दफा हो जाएगी। मतीन ने बहुत एहसान किया इस पर, किसी एहसान का तो ख्याल रखेगी ना। देख मेरा बच्चा ये कंगन उतार, शुगुप्ता आने वाली है उसको देने है। चल अंदर चल। ये कंगन अब मैं कभी नहीं उतारूंगी, और ये बात मैं उससे भी बता कर आई हूँ जिसके नाम के मैंने ये कंगन पहने हैं, समझिए आप। क्या तू आतर से मिलेंगे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना, तुम्हारे साथ साथ मैं भी जली लूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, और वो आए ना तो आप उनसे कह दीजिएगा कि मैंने ये कंगन देने से इनकार कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, कुछ तो ख्याल कर ले, कुछ तो हया कर ले। कितना मेरे घर का तमाशा देखेगी, माफ कर दे, किसी एहसान का तो पास रख ले। तंजीला काफी दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मुझे लगा उसकी तबीयत ना खराब हो, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है वरना मैं पूछ लेती। अगर आपके पास उसका नंबर है तो मुझे दें ताकि मैं कॉल कर लूं। नंबर? आपके पास उसका नंबर नहीं है? नहीं वो दरअसल मोबाइल यूज नहीं करती। कमाल है, वो मोबाइल यूज नहीं करती तो आप लोग आपस में बात कैसे करते हैं? मेरा मतलब है कि आप लोग आपस में रابطہ कैसे करते हैं? वो आपके फियांसे है इसीलिए तो यहाँ आना पड़ता। खैर मैं चलता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनिए, आप मेरा नंबर ले लें, अगर उससे बात हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी उसकी। देखिए मैंने आपसे कहा था मुझे ये सारा सामान वापस नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे वो कंगन वापस चाहिए। एक्चुअली वो कंगन मेरी माँ की निशानी है और मैंने आतर की बीवी के लिए संभाल कर रखे हैं। मैं और बात कर रही हूँ मुझे अंदाजा है, बट मुझे वो कंगन वापस चाहिए प्लीज। ये सब आप रख लें। वो कंगन देखिए आप गलत नहीं समझिएगा, अगर आप चाहें तो मैं उन कंगन की मालियत जितने पैसे आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप वो रख लें, बस वो कंगन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप आई होप यू अंडरस्टैंड। बस शगुफ्ता साहिबा बहुत हो गया, आपको बहुत घमंड है अपनी दौलत पर, आप अपनी दौलत के बलबूते पर हमें खरीदना चाहती हैं। आप क्या सोच रही थी कि हम आपके कंगन रख लेंगे? ऐसा हरगिज नहीं है, ये सब कुछ संभाली
कंगन में लेकर आती। नानी, मैंने कहा ना, मैं ये कंगन वापस नहीं करूंगी। उस आतर को मुझसे शादी करनी होगी। उन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई खिलौना हूं? जो पसंद आया देखा और दिल नहीं माना तो वापस कर दिया। अरे मेरी बच्ची, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? देख, नानी की बात को समझ। तेरी शादी उसी से होगी इंशाल्लाह, मैं कह रही हूँ ना। लेकिन फिर वक्त वापस करते। देख देख, जब वो दूल्हा बन के आएगा ना, तुझे ब्याह के लेके जाएगा, तब का इंतजार कर, मेरी बात मान ले। देख ना। देख बेटा, जिद मत कर। तेरे हिस्से की खुशियां तुम्हें मिलकर रहेंगी। भरोसा कर अपनी नानी पर और मुझ पर। कड़े दे दे, शगुफ्ता बैठी है। अगर हम उसे कड़े वापस नहीं करेंगे तो वो तो हमें लालची समझेगी ना। अम्मा समझाना इसको। और फिर लालची लोगों से रिश्ता कौन जोड़ता है? बता भला, अम्मा ठीक कह रही तेरी, मान जा मेरी बच्ची। ला ला, शाबाश शाबाश है। दे दे मेरा बच्चा, बात मान जा। ये ले और ताड़ ले। देख क्या रही है? उतार ले अपने ही कंगन जो आपने अपने हाथों से मुझे पहनाए थे। आप भी एक औरत हैं और आप मेरे जज्बात समझ सकती हैं। मैंने जबरदस्ती कंगन नहीं पहने थे, आप लोगों ने पहनाए थे मुझे। मगर मैंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। ख्वाब सजाने लगी थी मैं, फिर मैं खुद से ही कंगन कैसे उतार सकती हूँ? देखो बच्चे, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि ये रिश्ता तुमने दिल से जोड़ा है। और जब आतिर का दिल ही नहीं तो मैं उसे कैसे कहूँ कि वो तुमसे शादी कर ले? वो तुमसे कैसे शादी कर सकता है जब वो तुम्हें जानता तक नहीं? और वो जानना चाहता भी नहीं तो तुम उसके नाम के कंगन पहन के क्या करोगी? कुछ नहीं समझती आप। अगर आप कुछ समझती तो जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। मेरे ख्वाबों को, मेरे अरमानों को अपनी हमीरी के मलबे तले उस दिन रौंद कर नहीं जाती आप। नौरी बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरे बस में होता तो मैं कुछ भी करके उसे मना लेती, मगर ये बात मेरे बस से बिल्कुल बाहर है बेटे। ऐसी नामुमकिन बात भी नहीं थी। अगर आप चाहती तो क्या नहीं हो सकता था? आप अपने बेटे को मजबूर कर सकती थी, मना सकती थी, लेकिन अगर आप चाहती तब ना। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो उस लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उसके पीछे हम सबको छोड़कर अमेरिका चला गया था। जब वो मुझे छोड़ के उसके पीछे अमेरिका चला गया था तो वो तुम्हें कैसे अपना सकता है? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं जरूर करती। Please understand. लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि इस सब में मेरी कोई गलती है तो आप जो चाहे मुझे सजा दें। मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हम क्या सजा देंगे आपको? सजा तो ऊपर वाला देगा जो सबका इंसाफ करता है।
आपको मेरी बेटी के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा, समझी आप? नौरीन उतारो कंगन, मुंह पर मारो इनके। नहीं अम्मी, कंगन ये खुद उतारेंगी। चावल जरा गंदे तो नहीं है, साफ ही लग रहे हैं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? नहीं, कुछ ठीक नहीं है तबीयत। एक मिनट में आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रहने दो, पानी की नहीं है। लीजिए मामू जान, पानी ले। मामू जान क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको फौरन डॉक्टर के जाना चाहिए। आप उठिए, मैं भी साथ चलती हूँ। अरे तुम कहाँ चलोगी? मैं जाऊंगी, जिंदा हूँ मैं अभी। ज्यादा हमदर्द बनने की कोशिश मत करो। किसी को आपकी जरूरत हो ना हो, हमें तो आपकी जरूरत है ना। कहा ना कुछ नहीं होता। ठीक है तबीयत मेरी, आ जाऊंगा जल्दी। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, कातिल, मेरे ख्वाबों की कातिल। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी।